ये देखें, ये डैम में खड़ा हुआ हूँ मैं इस वक्त। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट गुलजार से, यहाँ आया हूँ घूमने के लिए दोस्तों के साथ, पिकनिक के लिए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जगह है, खूब सारा एंजॉय किया और शिकार भी किया, मछली भी पकड़े। अच्छा, मछली भी पकड़ी है? जी हाँ, मछली भी पकड़ी। अच्छा, तो आप कब से आए यहाँ पे? मैं हम लोग कल रात से इधर ही है। रात से यहीं? रात से इधर ही है। क्या बात है, रात का माहौल जरा बताएं कैसा था यहाँ? रात का माशाल्लाह माहौल बहुत ही अच्छा था, मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडा था, अच्छी हवाएं चल रही थी। तो अब कब जाने का आपका प्रोग्राम है? अभी इंशाल्लाह शाम को वापस जाएंगे यहाँ से निकल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपको दोस्त सलीम और एक मरतबा फिर मैं लाया हूं आपके लिए नई वीडियो। आज हम जा रहे हैं भाई हबडेम, दोस्तों का प्रोग्राम है हबडेम का। क्योंकि हाल ही में आपको तो पता है कराची का मौसम कितना अच्छा है और बारिश है, शदीद होने की वजह से हबडेम फुल हो चुका है और एक पिकनिक पॉइंट बन चुका है। तो दोस्तों के साथ जा रहे हैं हम हबडेम, मकामी फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मैं आपका तारुफ करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, आप कराची से जैसे ही हबडेम अक्टोबी की तरफ आएंगे तो सीधे हाथ पे ये मुंद्रा चौक है, ये आप देख रहे हैं जिस तरह से जा रहे हैं, ये मुंद्रा चौक कह रहा था। इसी रास्ते सीधे हाथ की तरफ रास्ता जा रहा है साकरान से, साकरान से कमोबेश 20 से 25 किलोमीटर पर ये हबडेम मौजूद है। तो हम जाएंगे हबडेम पे पिकनिक पॉइंट पे, आपको बहुत ही जबरदस्त बन चुकी है हबडेम का और बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज चलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं फ्रेंड्स के साथ और एक वीडियो भी हो जाए इसमें। तो आज हम आए हबडेम के लिए और फ्रेंड्स आते तो उनसे भी हम आपका तारुफ करें। अभी चलते हैं हबडेम के लिए और वीडियो के साथ बने रहिएगा, रास्ते में और भी कोई लोकेशन आती है तो आपको दिखाऊंगा मैं। तो भाई इस वक्त हम लोग 10 किलोमीटर सफर तय कर आ चुके हैं साकरान के रोड से, बिल्कुल मोड़ पर आ चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये साकरान से सीधा आने के बाद 10 किलोमीटर आने के बाद ये हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला कट भी आप देख रहे होंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो जो कट नजर आ रहा है वो हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला कट है। जो नादन बाईपास से आना चाहते हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी से भी आप सीधा आएंगे तो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर फिर डैम हो जाएगा। तो हम लोग आए थे साकरान से क्योंकि साकरान के भी मंजर आपको पता है, मौसम बड़ा जबरदस्त हो रहा है और हरियाली हरियाली है। तो हम साकरान से होते हुए आए, तो चलते हैं अब डैम की तरफ। तो भाई जैसा कि हम हबडेम की तरफ पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा ही आगे हबडेम है लेकिन रास्ते में शदीद बारिशों की वजह से डैम से पानी आ रहा है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे दुश्वारी है। अगर आप बाइक पे हैं तो ही आ सकते हैं, गाड़ी वगैरह यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि ऊंचाई एक तो हाइट है यहाँ पर और दूसरा पानी बहुत गहरा है, जमा हुआ है यहाँ पर। तो कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने की। तो भाई फाइनली हम हबडेम पे पहुंच चुके हैं, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बिल्कुल फुल भरा हुआ है हबडेम, 340 फीट हाइट पे मुकम्मल है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि भाई अगर इससे ज़्यादा हो सकता है तो आपको पता है कि डैम डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डैम से पानी छोड़ा जाता है समंदर की तरफ। तो ये है डैम की सिचुएशन, आप देख सकते हैं बिल्कुल फुल है हाली बारिश की वजह से। तो मज़ीद हम आपको नीचे जाके भी दिखाते हैं कि भाई क्या हालात है डैम और किस तरह है और इसकी और कौन सी लोकेशन है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये डैम में खड़ा हुआ हूँ मैं इस वक्त। अल्लाह के आसरे में
ये वो जगह है जहाँ पे कराची में पानी जो सप्लाई होती है ना, वो ये लाइन है। ये देखें, ये कराची को पानी जा रहा है सप्लाई के लिए। ये हब डैम की वो जगह, ये देखें पानी की स्पीड देखें आप। ये कराची के लिए सप्लाई हो रहा है, ये सारा पानी कराची जाता है, क्योंकि कराची को 40 से 45 फीसद पानी देता है हब डैम। ये देखें, ये देखें, ये पूरी साइट, ये देखें आप, ये कराची को पानी मुहैया हो रहा है। यहाँ से पूरा कया कराची को जा रहा है। ये नहर जो आप देख रहे हैं, नदी, ये कराची को जा रही है। ये देखें, ये देखें, ये तमाम जो पानी है ये कराची को सप्लाई हो रहा है यहाँ से। ये देखें, ये कराची के लिए जा रहा है पानी। तो भाई, ये जो मैंने आपको लोकेशन बताई है हब डैम की थी, अब हम चलते हैं जहाँ स्पेलवे की तरफ, जहाँ से पानी की बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल है, जहाँ पे लोग ना भी सकते हैं पानी, जहाँ पे समंदर की तरफ जा रहा था स्पेलवे पे, तो वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ की भी लोकेशन आपको बताते हैं और रास्ते का भी समझाते हैं कि आगे रास्ता कौन सा आएगा। भाई, बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए स्पेलवे की तरफ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा स्पेलवे का रास्ता है, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त। और यहाँ पहले से लोग आए हुए हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, बना हुआ। वो देखें पीछे, कब से आए होंगे ये मालूम नहीं, लेकिन इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, ये देखें रास्ता, ये नीचे स्पेलवे की तरफ, नीचे इंजॉय करने की जगह, जहाँ पर आप नहा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों के साथ। देखिए, पहले से फैमिली आ चुकी है यहाँ पे। देखिए, ये देखें, ये स्पेलवे आप देख रहे हैं, करीब से देखेंगे, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखें, ये देखें, लोग एंजॉय करते हैं, नहाते हैं यहाँ पे। और देखें, सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, खाना वगैरह भी यहीं बना रहे हैं। फुल एंजॉयमेंट है, देखें। तो भाई, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए हैं पिकनिक के लिए, इनसे रब्ता करते हैं, इनसे बात करते हैं कि भाई आप कब से यहाँ पर आए और कैसा माहौल था यहाँ का पिकनिक का, कब से है, किसी टाइमिंग पे, और दोबारा लोड कर कब जाएंगे, इनसे बात करते हैं फिर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका नाम क्या मिलता है, आप नाम बताएं। ताबिश अहमद। ताबिश भाई, आप कहाँ से आए हैं? मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट गुजरात से। यहाँ आया हूँ घूमने के लिए दोस्तों के साथ, पिकनिक के लिए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जगह है, खूब सारा एंजॉय किया और शिकार भी किया, मछली भी पकड़े। अच्छा, मछली भी पकड़ी है? जी हाँ, मछली भी पकड़ी। अच्छा, तो आप कब से आए हैं यहाँ पे? मैं हम लोग कल रात से इधर ही है। रात से यहीं? रात से इधर ही है। क्या बात है, रात का माहौल जरा बताएं कैसा था यहाँ? रात का माशाल्लाह माहौल बहुत ही अच्छा था, मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडा था, अच्छी हवाएं चल रही थी। तो अब कब जाने का आपका प्रोग्राम है? अभी इंशाल्लाह शाम को वापस जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, जरा सा बताइए ताबिश भाई, आप यहाँ पर है रात से, तो मेरे ख्याल में आपने शिकार भी किया होगा यहाँ पे? जी हाँ, हमने शिकार किया, मछलियाँ पकड़े 8-10 किलो। और उसके अलावा कुछ खाने में वगैरह में क्या सेटिंग सारी की थी आपने? जी हाँ, पहले से अपनी सारी सेटिंग की थी, कढ़ाई बनाया, बिरयानी बनाई। जी हाँ, बकरा वगैरह भी। जी हाँ जी हाँ, यहीं ज़िबा किया और यहीं पकाया। यही ज़िबा किया और यहीं पकाया, यही इंजॉयमेंट होता है फ्रेंड्स। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है मेरा भाई, थैंक यू। तो भाई, फाइनली आज हमने हब डैम का विजिट किया, हमने आपको पहले हब डैम दिखाया, उस तरफ के पानी कितनी सतह पर बुलंद हो चुका है। इसके बाद हम तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर मजीद आगे की तरफ आए हैं स्पेलवे के लिए। तो स्पेलवे के लिए टर्न करने के बाद हम यहाँ पर 2-3 किलोमीटर मजीद अंदर चलने के बाद ये स्पेलवे का रास्ता आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो भाई, ये सारा स्पेलवे का एरिया आप देख रहे हैं मेरे साथ, लोग बहुत सारे ज़्यादा यहाँ पर आए हैं, इन्जॉय भी कर रहे हैं, हम भी इंजॉय करेंगे वीडियो एंड करने के बाद, और खाना वगैरह भी खा लेंगे।
तो भाई उम्मीद करूंगा मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। तो फिर मिलते हैं कोई ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।